सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्दोष जो भी निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई न हो, ये हमारी शासन और प्रशासन से मांग है। इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, राजनीतिक रूप देते हुए एक पक्ष को, मतलब आप दलित वर्सेज सवर्ण, ये पूरा एक पॉलिटिक्स चलाई जा रही है और ये एक बहुत गंदी बात है। ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि इस तरह की पॉलिटिक्स का अड्डा बना रहे हैं ये लोग। इसको सदियों से बहुत सारी पार्टियां, खासकर मैं नाम लूँ तो कांग्रेस पार्टी सदियों से ये काम करती आई है, उसका यही एक एजेंडा रहा है कि वो जातिगत राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। तो वो ये सारी उनकी मिली हुई है सारी, PFI आपने जो नाम लिया, कांग्रेस है, और उसी में अब वाम सेफ और ये सारे जो उनके संगठन है अभी गए हैं, जो भीम आर्मी, ये सब संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है कि डिवाइड एंड रूल। राजस्थान की भी घटना हुई है, राजस्थान में क्यों नहीं, 16 घटना हो चुकी, क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग वहाँ, राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रियंका और राहुल यहीं क्यों आ रहे हैं। हाथरस एक बहुत बहुत सौहार्द वाला सिटी है, इसका सौहार्द खराब करने की इनकी पूरी साजिश है। चश्मदीद गवाह है और छोटू ही उसका नाम बताया है, उसको पूरा मालूम है, उसको पूरी घटना मालूम है कि खेत पे किस समय किसने इस लड़की को मारा था। तो ये सारी घटना जो है बिल्कुल फेक घटना है, ब्लैंक एक लिफाफा दे के गए राहुल, तो इन्हें 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिले, शर्म नहीं आती है इन्हें, ये किस तरीके की राजनीति करा रहे हैं, हाँ देश के युवा और कहलाते हैं ये, मतलब कहाँ की राजनीति कर रहे हैं ये लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने का, लड़ाने का, इस तरह की राजनीति का इनका इतिहास रहा है, दंगों की राजनीति का इनका इतिहास रहा है। ये इतने बेशरम आदमी है, ये इतने बेशरम है, ये पूरा परिवार इतना बेशरम है। ये दोनों अभी एक मैं मीडिया में ही क्लिप देख रहा था कि ये हंस रहे थे, गाने चल रहे थे इनके जिस दौरान यहाँ आ रहे थे। सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं कि कैसे भी योगी सरकार को गिराया जाए और बदनाम हो। संवेदना का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरीके से यह नारेबाजी और अपनी नेतागिरी समझाई जा रही है वो आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सुबह से लेकर 5:30 बज रहे हैं और जिस तरीके से एक रैली जैसा माहौल बनाया गया है और पूरा काफिले के साथ, और ये आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। तो ये संवेदनाओं के साथ एक हनन है, और जो संवेदना है वो किसी की परिवार से नहीं जुड़ी है। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मनीषा की हत्या को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर दिया गया है वो आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से सुबह से लेकर के अब शाम होने को है अभी तक बिल्कुल नारेबाजी और टोपियां लगा करके और इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमारा रैला बड़ा है या आपका रैला बड़ा है, वही सिर्फ यहां पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आए हुए हैं आप देख सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक यहां पर कम से कम 10 से 15 बार इस रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया गया है, और जिस तरीके से यहाँ इसको पीपली लाइव बना दिया गया है, जो पीपली लाइव एक फिल्म आई थी उसी तर्ज पर इस गांव को, भूलघड़ी को बना दिया गया है। यहाँ पर मीडिया ही मीडिया है, मीडिया अपना एजेंडा चला रही है, जिस तरीके से मीडिया का एजेंडा है वो एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है, और जो नेता आ रहे हैं वो अपनी राजनीति सेकने के लिए आ रहे हैं और इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए ये कितना लंबा जाम लगा हुआ है, परंतु उस चीज़ को कोई दिखाने के लिए राजी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो पुलिस सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये भी तो एक राजस्व का पैसा है जो यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है और इनकी सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मीणा साहब हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे एक मीडिया पक्ष की तरफ से, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो भी दिखाया जा रहा है। तो और अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या अभी मीणा साहब कह रहे हैं, वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ करनी सेना के लोग हैं वो भी अभी कुछ बात कर रहे हैं। आपको जिस भी पक्ष से मिलना है 5 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। सर 5 मिनट का टाइम तो हमें दे सकते हैं सर, जब इसको ये 2 घंटे दे सकते हैं सर, अभी 5:30 बज चुका है, 1 सेकंड 1 सेकंड थोड़ा सा मीणा साहब बिल्कुल मीणा साहब मेरा एक सवाल है, नंबर आईडी कार्ड मीणा साहब मेरा एक सवाल है कि सुबह से लेकर अब तक कितने बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लास्ट जाने का समय क्या निर्धारित किया कि इसके बाद हम किसी को नहीं भेजेंगे? और 5 बजे के
बाद किसी की एंट्री नहीं की जाएगी। तो करीबन करीब 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में वो लोग जा सकते हैं जो अपने नाम दे सकते हैं। बिल्कुल। अरे सर, जो जिस तरीके से अभी आपकी गाइडलाइन है वो बरकरार कब तक रहने वाली है? ये अभी अग्रिम आदेश तक 5:30 बजे अंतिम समय रहेगा कानून व्यवस्था को देखते हुए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जो लोग हैं अपनी लिस्ट को लेकर के कह रहे हैं सर, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगी ठाकुर है। योगी ठाकुर साहब, एक बात बताइए कि यहाँ पर किस लिए आना हुआ आपका? देखिए, मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ भारतीय, मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ भारतीय गणी सेना का जी। और हम लोग जो 4 लड़के जो जिनको निर्दोष को फंसाया गया है, उन लड़कों के परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं हम यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ। अभी देखते हैं SDM। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक देखने को मिल रही है कि जितने भी राजनेता आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं। अभी देखने को मिला चंद्रशेखर रावण आए, इससे पहले जयंत चौधरी आए, जब वहाँ पर उस टाइम पर पथराव हो गया, उससे पहले सपा के बड़े बड़े नेता आए, सारे के सारे दल बल के साथ आ रहे हैं। क्या ये राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, हम लोग राजनीतिक संगठन से नहीं है, हमारा सामाजिक संगठन है। ठीक है, और सामाजिक संगठन होने के नाते हम लोगों ने, हमारा एक ध्येय है कि दोनों पक्षों में, खासकर हिंदुत्व जो है वो टूटना नहीं चाहिए, हमारा ये एकमात्र ध्येय है। उसी ध्येय को लेके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, दोनों परिवारों से बात करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्दोष, जो भी निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई न हो, ये हमारी शासन और प्रशासन से मांग है। सर एक बात क्लियर होके आ रही है कि जो संदीप नाम लिया जा रहा है, जो मनीषा थी उसकी तरफ से नाम लिया गया था, वो संदीप एक अक्यूज भी है और एक संदीप उसका भाई भी है, तो ये कुछ बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है सर, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये सारी गलती जो है वो स्थानीय प्रशासन की रही है उस समय की, कि उस समय जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें एक संदीप नाम लिया गया था, तो संदीप उसके भाई का नाम था, उसने जो बेटी जो अब हमारे बीच नहीं है उसने जो नाम लिया था वो अपने भाई का लिया था, क्योंकि उसके भाई ने उसके साथ मारपीट करी थी, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया, राजनीतिक रूप देते हुए एक पक्ष को, मतलब आप दलित वर्सेज सवर्ण, ये पूरा एक पॉलिटिक्स चलाई जा रही है और ये एक बहुत गंदी बात है, ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि इस तरह की पॉलिटिक्स का अड्डा बना रहे हैं ये लोग। इसको क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से PFI का भी इन्वॉल्वेशन दिखाई दे रहा है कि 100 करोड़ की फंडिंग हो रही है यहाँ पर, क्या लगता है कि इस फंडिंग, इस मौके को देख करके हिंदुओं दरार डालने के लिए वो फंडिंग का भी यूज किया जाएगा? देखिए, सदियों से बहुत सारी पार्टियां, खासकर मैं नाम लूं तो कांग्रेस पार्टी सदियों से ये काम करती आई है, उसका यही एक एजेंडा रहा है कि वो जातिगत राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, तो वो ये सारी उनकी मिली हुई है सारी, PFI आपने जो नाम लिया, कांग्रेस है, और उसी में अब वाम सेफ और ये सारे जो उनके संगठन है अभी गए हैं, जो भीम आर्मी, ये सब संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का जमा काम करते थे वही उनका एजेंट है ये आज की डेट में अंग्रेजों के। सर अगर हम एक बात करें कि अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में एक 18 साल के लड़के को मार दिया जाता है, वहाँ के नेता यहाँ पर राजनीति बुनाने के लिए आते हैं, और कांग्रेस के शशि थरूर हैं वो कहते हैं कि ये हमें मौका मिला इस पे नहीं खेलेंगे तो किस पे खेलेंगे? देखिए, आप भी जानते हो अभी बलात्कार एक जयपुर में, वहाँ भी राजस्थान की भी घटना हुई है, राजस्थान में क्यों इनमें 16 घटना हो चुकी है, क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग वहाँ, राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रियंका और राहुल यहीं क्यों आ रहे हैं? हाथरस एक बहुत बहुत सौहार्द वाला सिटी है, इसका सौहार्द खराब करने की इनकी पूरी साजिश है, इनकी साजिश इस हद तक है कि ये फंडिंग, यहाँ जो फंडिंग कर रहे हैं ये हाथरस को जलाने का फंडिंग कर रहे हैं ये। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस, मतलब पीड़िता से मिलने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दोनों राजनीति है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम दोनों पक्षों से मिलने आए हैं, पीड़ित पक्ष से मिलने आए हैं, और जो जो अक्यूज हैं, जिनको जो निर्दोष लड़के फंसाए गए तीनों। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि संदीप के घर जाएंगे आप, जो अक्यूज है उसके घर पर हम जैसे गए वहाँ पर तो कोई देखने को मिल ही नहीं रहा, पूरा घर खाली पड़ा है, तो किससे मिलेंगे वहाँ पर जाकर के? क्या आगे की बात कोई है नहीं, दो महिलाएं हैं हमें वहाँ घूमती हुई दिखाई दी हैं बस? नहीं तो ये हो सकता है, ये हमें हमारे संज्ञान में नहीं है, हो सकता है शासन प्रशासन ने दबाव डाल के उन लोगों को इधर उधर कहीं कर दिया हो। या सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर एक चश्मदीद है जो सारी बातें खोल करके रख सकता है, उस चश्मदीद को सामने नहीं लाया जा रहा है, जिसको छोटू के नाम से जाना जा रहा है, पर उसका ना किसी ने चेहरा देखा है, ना कोई उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ी बात है सर। देखिए, जो चश्मदीद आप बता रहे हो, मुझे भी अभी लोकल लोगों ने यही बताया है कि एक चश्मदीद गवाह है और छोटू ही उसका नाम बताया है, उसको पूरा मालूम है, उसको पूरी घटना मालूम है कि खेत पे किस समय
किसने इस लड़की को मारा था, इसके भाई ने इसको मारा, उसके बाद ये दूसरा लड़का जो एक लवकुश, वो तो पानी पिलाया उसने, और उस पानी पिलाने के बाद में उसने चाची या भाभी इस तरह के कोई संबोधन वो करता था उसके, क्योंकि उसके जो भी संबंध रहे गाँव के नाते। तो ये सारी घटना जो है बिल्कुल फेक घटना है। सर सबसे बड़ी बात है कि एक मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जो योगी सरकार है जो बड़े बड़े अपराधियों के घरों को ढाने में लगी है, कहीं ना कहीं वो भी शामिल दिखाई दे रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं इसमें रोल दिखाई दे रहा है। जैसे मुख्तार अंसारी हो गए या फिर अतीक अहमद हो गए, उनका भी रोल कहीं ना कहीं सामने आ रहा है ऐसा नहीं? देखिए योगी जी, आपने कहा योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि SIT गठित करी और उसके बाद उन्होंने तत्काल SIT की जो रिपोर्ट गई है उसके बाद उन्होंने CBI के लिए भी उन्होंने मांग कर दी है, CBI के लिए भी उन्होंने आदेश पारित कर दिए, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि CBI जो है सर्वोच्च जांच कमेटी है हमारे इंडिया की, और उस पर सबको, उस पर विपक्ष को और पक्ष को दोनों को भरोसा करना ही होगा। तो विपक्ष जो पक्ष है, मनीषा का परिवार है, वो तो कह रहा है कि ना तो हमें नार्को टेस्ट कराना है ना CBI की जाँच करानी है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मुझे किसी भी नार्को टेस्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं झूठा हूँ, मुझे फंडिंग चाहिए या मैं गुमराह कर दिया गया हूँ पार्टियों के द्वारा, जैसे कल अब ब्लैंक एक लिफाफा दे के गए हैं राहुल, तो इन्हें 10 लाख रुपए मिले, शर्म नहीं आती है इन्हें? ये किस तरीके की राजनीति करा रहे हैं? हाँ, देश के युवा और कहलाते हैं ये, मतलब कहाँ की राजनीति कर रहे हैं ये लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने का, लड़ाने का, इस तरह की राजनीति का इनका इतिहास रहा है, दंगों की राजनीति का इनका इतिहास रहा है, ये वही दंगा हाथरस में चाह रहे हैं और इस इनकी मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तो सर कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का वहाँ से काफिला निकलता है जैसे रोड शो करने के लिए जा रहे हैं कहीं, और पूरा ट्रक पे माइक वगैरह साउंड पूरा सिस्टम बैनर लगा करके चलते हैं, क्या ऐसे किसी के अंतिम संस्कार या 13वीं की उसमें शोक सभा में जाया जाता है क्या? ये इतने बेशरम आदमी है, ये पूरा परिवार इतना बेशरम है, ये दोनों अभी एक मैं मीडिया में ही क्लिप देख रहा था कि ये हंस रहे थे, गाने चल रहे थे इनके जिस दौरान यहाँ आ रहे थे, तो इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें किसी की संवेदनाओं से, किसी की मृत्यु से, किसी के लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं कि कैसे भी योगी सरकार को गिराया जाए और बदनाम हो, इनका ये मेन मुद्दे से इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, और बाकी आपको हम यहाँ की ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।